वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का एल टू है? तो देखो ये ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, हम लोग इसको ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं। तो इसका एन वन होता है, इसका एन टू होगा, इसका एन थ्री और इसका एन फोर होगा। तो देखो ये क्या होगा, ये होगा वन एस टू, एन वन में वन एस टू हो सकता है, यहाँ एन टू है तो टू में एट इलेक्ट्रॉन मतलब टू एस टू, टू पी सिक्स है, एन इक्वल टू थ्री है सो थ्री में थ्री एस होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन, थ्री पी होगा उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन, टू सिक्स एट बट है तो इलेवन, तो बाकी तीन कहाँ है, बाकी तीन थ्री डी में है तो थ्री डी थ्री हो गया। फोर में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, फोर एस टू में जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी थ्री। तो इसमें से एल टू किसका है, तो देखो एस का एल होता है जीरो, पी का एल होता है वन, डी का होता है टू, तो एल टू बोला मतलब कौन सा ऑर्बिटल खोजना है, डी ऑर्बिटल। तो देखो डी ऑर्बिटल सिर्फ यहां पर, सो डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एल कितना आएगा, टू आएगा, एनी इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल विल हैव एल इक्वल्स टू टू, सो एल इक्वल टू टू के कितने इलेक्ट्रॉन है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो आंसर इज थ्री इलेक्ट्रॉन हैज एल इक्वल टू टू इन दिस कॉन्फ़िगरेशन।